वर्कशॉप है नवोदय की तरफ से, तो अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, खासकर हमारे जो चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे अभी हमारे साथ, प्रोफेसर मुजफ्फर सर। सर वेलकम। थैंक यू। सर पहले तो मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले ही हम स्पिक मैके के साथ जुड़े हैं, तो हुआ कुछ ऐसा था, सर पंकज सर एंड शेफाली मैम वेंट और स्कूल, वो हमारे स्कूल में आए थे, एंड देन हर किसी क्लास में से पांच पांच बच्चे जिनको जाना था तो हम गए थे, उनमें मैं भी थी, तो हमारी एक मीट हुई थी वहां पे जिनमें सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इंफॉर्मेटिव हमें किया था, इन्फॉर्मेशन दी थी हमें इस बारे में, स्पेक में की के बारे में, एंड देन उन्होंने बोला कि कौन कौन ज्वाइन होना चाहता है, तो कुछ बच्चे बहुत ही मतलब दिल से जुड़े हैं स्पेक में की के साथ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक यू यू बोथ, शेफाली मैम एंड पंकज सर, आपने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया था उस टाइम पे कि ये क्या होता है कैसे होता है, थैंक यू सो मच। तो उसके बाद सर ने घर आके वापस जाके हमारा एक ग्रुप बनाया था जिसपे उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाली, एंड इस बारे में भी उन्होंने उसी ग्रुप पे बोला था कि ऐसे वर्कशॉप होने वाला है कल, तो आपको उसमें आना है, सो उनकी वजह से हम आज स्पिक मेके के साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो आज का वर्कशॉप है, मेरे साथ जुड़े हैं इसमें हुजैफ एंड मनान, शायद हुजैफ नेटवर्क की वजह से नेटवर्क उसको टेक्निकल इश्यू आ रहा है, सो शायद उनका भी किसी भी तरीके से अगर उन्होंने नहीं कर पाए तो मैं उनका कंटिन्यू करूंगी। सो सर शुड वी स्टार्ट, मुजफ्फर सर थैंक यस ऑफ कोर्स यू स्टार्ट। आप सर दो शब्द कहें जरूर आज के कार्यक्रम जी से जी फिर स्टार्ट करें। जी 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 सर, मैं इन सब बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि जैसे पिछले बहुत सालों से यहाँ टर्माइल की वजह से जो हमारा आर्ट कल्चर है उस पर बहुत असर पड़ा पिछले 30-32 सालों से, तो लेकिन फिर उसके बाद जब नॉर्मल होने लगा था हमारा, तो हमारे यहाँ का के जो आर्ट फॉर्म्स है या बाकी आर्टिस्ट है, तो कोविड की वजह से फिर 3 साल बंद रहा सब कुछ। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दीज यंग चिल्ड्रन हु आर कनेक्टेड विद दिस सिपिक मैके। तो मैं इन बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता है कि जो कश्मीर हमारा, कश्मीर एक जो प्लेस ऑफ ऋषिज है, जहाँ ऋषि मुनि सभी जिनकी जमीन है, धरती है ये, तो यहाँ का जो सूफीज्म कल्चर है, अगर हम देखेंगे पहले म्यूजिक की ओर, उसमें कितना सूफीज्म है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक है, जैसे मिस्टिक छकरी है उसमें भी सूफीज्म गाया जाता है। इवन भजन जो होते हैं उसमें लीला जिसको हम कहते हैं, तो आपको पता नहीं होगा अभी, तो लीला जो है वो भी उसमें भी सूफीज्म है। या बाकी अगर देखेंगे रूफ है, रूफ में भी अगर हम देखेंगे अदर देन एंटरटेनमेंट जो मेन रूफ है उसमें भी बहुत सारा जो सूफीज्म है वो है। तो बट बदकिस्मती से बहुत सालों से हमारे जो बच्चे हैं आजकल वो कहाँ की ओर जा रहे हैं, एवरीबॉडी इज हेडिंग टुवर्ड्स दिस वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न वेस्टर्न गिटार लेके कोई भी, आई एम नॉट अगेंस्ट गिटार, सर आपके माइक ऑफ हो गया सर। तो गिटार गिटार या ड्रम या ऑक्टोपैड के अगेंस्ट नहीं हो, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ म्यूजिक वेस्टर्न है, लेकिन जो हमारे फॉर्म्स है यहाँ हमारे इंडिया में कंट्री में है, पर्टिकुलरली अगर हम रीजन वाइज जाएंगे, जो हमारा सूफियाना म्यूजिक एक है बड़ा एक रिच फॉर्म रहा है, मिस्टिक छकरी है, जो छकरी जिसको आपको पता नहीं होगा कि हम उसको छकरी बोलते हैं, बट ओरिजिनली इट इज अ संस्कृत नेम छत्री, इट इज छत्री। तो बच्चों को जो हमारी जनरेशन है उनको ये चीजें पता नहीं है कि हमारे जो आर्ट में जो जो वैल्यूज थे वो कितने, जो छत्री जिसको हम छत्री कहते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म, वो हम ऐसे लेते हैं कि ये जी ट्रेडिशनल रीजनल फोक फॉर्म है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है कि उसमें
देखेंगे छकरी भी हमारा जो फॉर्म है दैट इज ए क्लासिकल फॉर्म, बट ये बात हमारे यंगस्टर्स तक पहुंचाने के लिए ऐसे सेमिनार्स और इन चीजों को जो फॉर्म्स है हमारे इनको आगे कैसे बढ़ाएं, तो ये ऊपर वाले की कुछ कुछ कनेक्शन है मुझे लगता है कि हम कैसे जुड़ गए, ये हमारे मल्होत्रा सर है या शमी मैम है, कैसे हम जुड़ गए आई डोंट नो, ये सब कुछ गॉड को करना था, लेकिन बट दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशंस ऑफ आवर कंट्री। इसके अलावा अब म्यूजिक खाली नहीं है, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, अगर हम देखेंगे हमारे जो क्राफ्ट्समैन है तो हमारा जो कालीन वाला काम था वो कितना, कालीन वाला काम कितना रिच था और उसमें कितना पैसा लोग कमाते थे, लेकिन आज की डेट में कालीन वाला काम नहीं करता था करता है। अच्छा, तो उसके बाद आप पेपर मैशी वाला देखिए, लिमिटेड वो भी पेपर मैशी भी, जैसे अभी ये ओंकार जी थे, इनका जो आर्ट है राजस्थान का आपने देखा वो पेंटिंग कैसे वो पेपर पर करते हैं, तो वैसे ही हमारा जो पेपर मैशी का काम है वो इतना रिच है पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, लेकिन बट आई एम सॉरी टू से अगेन दैट फॉर्म इज ऑल्सो डाइंग डाउन डे बाई डे इन द कश्मीर, तो बड़ा लिमिटेड जो फैमिलीज है वो कर रही है। उसके अलावा भी जो जैसे मैंने बोला कि नमदा, नमदा वाला काम आपको, आपने सुना होगा नमदा जो बनाते थे घरों में जो ऊन का होता था वो बनाते, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद वो गब्बे बनाते थे, वो भी एक आर्ट फॉर्म था। इट इज नॉट ओनली म्यूजिक, देर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर दिस कश्मीर या जम्मू में, आप देख लीजिए जम्मू में अगर हम जाएंगे म्यूजिकल फॉर्म एक पाक था, बाख जिसको कहते हैं, बाख आज की वो पद्मश्री कृष्णा कृष्णा जी थी वो बाख गाती थी, लेकिन उसके बाद अब बट लिमिटेड जो फैमिली है उनके एक दो मेंबर्स को वो बाख पता है कि कैसे गाते हैं अब, लेकिन वैसे भी बहुत सारे फॉर्म्स जम्मू में भी है जो बिल्कुल डाइंग डाउन है। सो रियली आई एम अगेन थैंकफुल टू पंकज सर एंड हिज टीम फॉर जस्ट टेकिंग कीन इंटरेस्ट टुवर्ड्स J&K, थैंक यू ऑल। तो आगे भी हम बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स करेंगे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी करेंगे, जिससे आपको भी पता चलेगा कि हमने क्या खोया है, तो हमें उस चीज को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टू मच इंफॉर्मेशन। फर्स्टली आई वुड लाइक टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिक मैके। Spik Meke, the Society for the Promotion of Indian Classical Music and Culture Among Youth, is a nationwide movement founded in 1977 by Dr. Kiran Seth, presently Professor Emeritus at IIT Delhi. He was awarded the prestigious Padma Shri Award in 2009 for his contributions to the arts. The primary goal of Spik Meke movement is to improve the quality of formal education by imparting knowledge of Indian history and inspiring youth minds to embrace the ideals that it contains. It aims to motivate the youth by allowing them to enjoy the philosophies embodied in India's rich and diverse culture and landscape, and the world hoping to influence a different way of life and thinking. Spik Meke aims to transform people into better individuals. Now, I would like to invite Huzaf from class 7th. He will give us more information about Spik Meke. Huzaf, please carry on. Huzaf, are you there? Huzaf? I will continue. About Spik Meke programs, about the online module post the rise of COVID, the vigorous volunteers of Spik Meke started to conduct programs online. Going online has given us the opportunity of inviting students from other countries. Wafa, ek minute rukenge. Muzaff shayad na unmute hai. Main technical team se kahunga Muzaff ko ek baar अनम्यूट कर दीजिए, उनको को होस्ट बना दीजिए। मुजैफ हमारे साथ है। जी जी, अनम्यूट हो गए हमें।
Yes, Muzaffar, please continue. कहाँ से Good कुछ morning to one and all. I am Huzair from class 7th and today I want to give you more information about SpeakMakey, about SpeakMakey programs, about the online module post the arrival of COVID, the vigorous volunteers of SpeakMakey started to conduct a program online. Going online has given us the opportunity of inviting students from other countries to join. We invite each of you to also attend the beautiful programs along with your parents and friends. The schedule is as follows: cinema classics film screening every Friday, where we feature a cinema film screening followed by interaction by film experts and filmmakers, where we discuss nationally and internationally acclaimed cinema. Great Master Series every Saturday, interaction with disciple of a great master of Indian classical arts followed by concert telecast. We gain insight about our rich music tradition either by listening to or watching videos of our maestros or by an interaction with their disciple who are carefully preserving the legacy. Randes was classical evening live concert every Saturday followed by interaction by a maestro of classical music of dance. Folk craft talk series every Sunday feature workshop by the folk of crafts artists who are preserving our rich culture and heritage. In today's folk craft talk session, here we have today God painting by Japanese Sham, about the art form to be researched and done by student, about the artist to be done by the student. Thank you. Yes, Bafadi ji, continue. Thank you so much, Uzaf. As we all know that we have a workshop about miniature painting today. So I would like to start this program with some good words. Painting requires a little mystery, some vagueness, and some fantasy. When you always make your meaning perfectly planned, you end up boring people. Now I would like to invite here Mir Manan from class 7th. He will give us some information about our guest, about our great artist, Mr. Onkar Meghwal. So, please continue, Manan. So, respected teachers and my dear friends, good afternoon. I am Meer Manan from class 7th. Today, I am going to give a little information about Onkar Meghwal Vedas. Today, we will have miniature artist Onkar Meghwal Vedas. He is from Udaipur, Rajasthan. He learned miniature from his teenage. His father Shukla taught him because this is their traditional family work. In 2016, he got state award from Ministry of Tribal Affairs. And in 2017, he also got national award. They did their exhibition at Delhi, Hart, Maharashtra, Goa, Bhopal. Thank you. Please, Wafa Didi, continue. Thank you so much, Manan. Now, I request our great artist, Mr. Onkar Meghwal sir. Sir, please, hamare liye kuch kahiye, jisse hum aage badhke aapko hamesha bahut hi zyada yaad karenge, and we are proud to have you with us now. Please, sir. मैम दे आर म्यूटेड प्लीज मैम उनको अनम्यूट करिए इनको अनम्यूट करना है मिस्टर ओंकार मेघवाल सर हेलो हाय सर आवाज आ रही है सर नमस्ते एवरीबॉडी हेलो हाँ मेरे को आप सुन पा रहे हैं यस सर अच्छा नमस्ते एवरीबॉडी मेरा नाम ओंकार है मैं उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और उदयपुर में भी आउट ऑफ उदयपुर इन विलेज सिटी में विलेज साइट में हूं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं उदयपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर है इसीलिए यहां थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है थोड़ा नेटवर्क कभी आता है कभी मिलता है कभी नहीं मिल पाता थोड़ा सा हो सकता है इनकन्वीनियंस आपको फेस करना पड़े और मेरा जो ये आर्ट फॉर्म है मैं काफी टाइम से करता आ रहा हूँ
मेरा बचपन से है, वैसे फैमिलियर वर्क है, हम लोगों ने बचपन से देखा है, बचपन से सीखा है, और बेसिक अगर अपन कहें तो जब से समझ आई है तब से हम लोग पापा के साथ करते रहते थे, पापा करते थे और हम लोग देखते थे, पापा ने ही हमें सिखाया, फैमिली में अंकल हैं, पापा हैं, हम लोग सभी करते हैं। अब पापा थोड़ा कम कर पाते हैं, ओल्ड एज में हैं, हम लोग काफी टाइम से करें, 2020 से हम लोग, मैं जो हूँ वो एग्जीबिशन लाइन में भी हूँ, प्लस मार्केटिंग के लिए हम लोग एग्जीबिशन में लाइन जाते हैं, बाकी हमारा खुद का जो है प्रोडक्ट हम बनाते रहते हैं, साल भर में 2-4 एग्जीबिशन मिलते हैं, वो हम पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अदरवाइज हम लोग जो है घर बैठ के ही ये काम करते रहते हैं। तो मैं आज आपको इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, कैसे करते हैं, कैसे इसमें कलर यूज करते हैं, किस तरह से बारीकी काम होता है। स्टार्ट कर सकते हैं आप सब लोग, देख रहे हैं? Yes, sir. वैसे तो आप सबको नॉलेज है ही है पेंटिंग के बारे में, बट मैं थोड़ा सा आपको फोकस और करना चाहूंगा कि मिनीचर पेंटिंग का किस तरह से बारीक काम होता है। अभी फिलहाल एक हमने छोटा ये हम जो करते हैं ज्यादातर हम लोग सिल्क कपड़े के ऊपर करते हैं, राजस्थान से उदयपुर में सिल्क कपड़े के ऊपर और पेपर के ऊपर दोनों तरह से होता है, लेकिन हमारा जो हाथ ज्यादातर सिल्क कपड़े के ऊपर है। मैं फिलहाल अभी आपको मैं पेपर पे करके दिखा रहा हूँ, बाकी सिल्क वाला भी बताता हूँ। अभी एक मैंने शुरू आपको दिखाने के लिए शुरू किया था, यस ये एक पिकॉक का पेंटिंग मैं बेटा बेटा ड्रॉ कर ही रहा था आपके लिए। तरह से अपन पेपर लेते हैं, फिर हल्के से जो अपना लाइट स्केच पेंसिल जाती है उससे हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये अभी एक पिकॉक का मैंने ड्रॉ किया है। मिनीचर पेंटिंग में सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो बहुत पेशेंस से, जल्दीबाजी का काम नहीं होता, जल्दीबाजी में काम बिल्कुल भी सही नहीं हो पाता है, या तो वो खराब ही होता है या फिर सही से बन नहीं पाता। अभी अपन बहुत पेशेंस की जरूरत होती है इसमें। अभी अपन जो कर रहे हैं फिलहाल अपन एक मोटा मोटी अपन देखते हैं कि कितना बारीकी काम होता है, कैसे होता है। ये एक पिकॉक मैंने ड्रॉ किया है छोटा सा, इसको मैं अधूरा है, मैं कर ही रहा हूँ साथ ही साथ। अभी मैं फिलहाल आपको पेंसिल से ही दिखा रहा हूँ, बाकी पेन से मैं आपको सिल्क पे ब्रश से सिल्क पे करके दिखाता हूँ। ये इसके फेदर्स बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक फेदर्स ड्रॉ करने होते हैं। ब्रश से जब करते हैं इसपे तो कहीं भी ओवरराइट नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना बता बेटा। ब्रश से जब करेंगे तो ओवरराइट नहीं आना चाहिए, पेंसिल से तो मोटी होती पेंसिल तो ओपन। ये जो काम होता है भाई इतना बारीक काम होता है कि इसको कई बार जब बारीकी काम करते हैं पेंसिल से, जैसे ये देखो ये जो काम कर रखा है ये बहुत बारीक है। अब इसमें आप देख ही रहे हैं कि बड़ा बड़ा काम भी है और छोटा काम भी है, लेकिन वो बहुत अलग अलग केयरफुली किया हुआ है, मतलब कहीं ओवर राइटिंग नहीं है। अभी मैंने ये आप सब की बातें सुनते सुनते ही ये काम बैठे बैठे करता था, मुझे कुछ आपको मैं दोनों काम सुन भी रहा था और काम भी रहा।
पे पेशेंस बहुत केयरफुली ध्यान पूर्वक करना पड़ता है, ध्यान थोड़ा सा इतनी इधर उधर हुआ तो पेंटिंग मिस हो जाती है। जो मन भाव से बनाना चाहते हैं वो बन, ध्यान इधर उधर भटकने से बन नहीं पाता फिर वो। जैसा आपका दिल का भाव है कि हाँ ऐसा बनना चाहिए वैसा आपका अगर ध्यान भटकेगा तो यही चीज हम लोग डायरेक्ट सिल्क के ऊपर ड्रॉ करके कलरफुल फील करते हैं।
ओंकार जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बात बोलूं। पेज को डायरेक्ट कलर से करके दिखाऊं क्या? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये तो बच्चे समझ गए होंगे, इसके आगे अगर हम लोग बड़े तो समय की बचत हो जाएगी। ये मैं भी सोच रहा हूँ कि इसको, ये तो उनको समझ में इतना तो आ गया कि हाँ इस तरह से इसको भरना है। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं इनको कलर से दिखा दूँ। हाँ जी, अपन इसमें बच्चों, आप लोगों को सबको समझ में आ गया? भाई लोगों शायद आ गया होगा कि इस तरह से अपन को स्टॉक मार के फिर इनको फेदर्स बनाने हैं जो सिंगल स्टॉक से होते हैं, बारीक बारीक से, कहीं ओवरहेड नहीं होना चाहिए। इस तरह से अपन अब इसमें कलर फिलअप कर देते हैं। ये इस तरह से अपन इसको कलर बोर्ड पे लगा के रखते हैं, और ये जो इसकी ब्रशेस होती है वो बहुत बारीक ब्रशेस होती है, सिंगल हेयर ब्रश। ओंकार जी, कैमरे की पोजीशन ठीक नहीं है। हाँ जी, अब ठीक। Thank you.
अंकार जी आप थोड़ा बताइए बच्चों को कि कैसे ये पेंटिंग और इसकी हाइलाइट्स क्या है और इसका जी, खासियत क्या है। अभी ये अभी ये कलर क्यों डिफरेंट है बाकी पेंटिंग से जी, थोड़ा बात करते रहिए बच्चों को थोड़ा समझ आए। एक सेकंड, ये मैं जो कलर का बना रहा हूँ ये ब्राउन कलर का। आप बच्चों को बताइए मिनिएचर पेंटिंग बाकी पेंटिंग से अलग क्यों है। मिनिएचर पेंटिंग से बाकी पेंटिंग से अलग ये राजस्थान में काफी तरह के आर्ट फॉर्म है हिंदुस्तान में, बट ये मिनिएचर पेंटिंग जो है वो इसलिए अलग है कि इसमें जो काम होता है वो बहुत सबसे ज्यादा बारीक काम होता है। जैसे वर्ली पेंटिंग ले लिया, महाराष्ट्र का जो वर्ली पेंटिंग है उसमें स्केच पेन और बड़े ब्रश यूज होते हैं और वो बड़ा वर्क होता है इसमें। और उसी तरह से अगर मधुबनी देखें अपन, मधुबनी बिहार का है और वो बिहार का जो पेंटिंग है उसमें भी बड़े ब्रश और बड़े उस मधुबनी पेंटिंग्स में एक वो अलग ही तरह का आर्ट फॉर्म है। अगर कुछ आड़ा टेढ़ा भी बन गया तो उसका आर्ट फॉर्म कहलाता है वो, कि कोई माइनस पॉइंट नहीं होता है कि ये ऐसा क्यों बना। और वही अगर अपन ये देखें कि मिनिएचर पेंटिंग में अगर थोड़ा सा भी अगर गलत हो गया, थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा बना तो वो गलती कहलाता है, सामने दिख जाता है कहाँ इसमें गलती है। और उसमें उन आर्ट फॉर्म में अगर कोई थोड़ा सा भी अगर टेढ़ा बन गया, आड़ा बन गया, जैसे उसका आर्ट फॉर्म ही ऐसा आड़ा टेढ़ा मॉडर्न आर्ट की स्टाइल में होता है। और ये जो है मिनिएचर पेंटिंग वो पूरा ट्रेडिशनल होता है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती। अगर गलती है तो सामने दिखेगी कहाँ यहाँ गलती है। जी जी, तो आपने बात बारीक बारीक पेंसिल से जो उसकी हाईलाइट किया है, जैसे मोर बनाया है तो आपने उसको बारीक बारीक लाइंस में, जैसे आपकी मेरे को लगता है कि आपकी बेसिक होता होगा कि बेसिक लाइंस का भी प्रोसेस होता होगा कि इस तरह की चार लाइनें बनती हैं ऐसे करके। हाँ, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ताकि बच्चे और अच्छे से मिनिएचर पेंटिंग की बारीकियों को समझ सके। ये जो है मैं जब ये बारीक बारीक ब्रश कर रहा था, जैसे आड़ी तिरछी लाइनें जो आप बना रहे हो, मतलब बच्चों को जैसे आपने एकदम सजा दिया मोर को। जी जी जी, अभी ये मैं और भी इसको करते करने जा रहा हूँ। ये ब्रशेस का सिंगल हेयर ब्रशेस का अब जो अंदर का इंट्रिकेट डेकोरेट जो करने जा रहा हूँ, ये जो है कोई बच्चा पूछना चाहे क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। हाँ जरूर, वानी आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क वानी। yes, अपना ऑन करें। यस yes, जरूर yes, पूछ सकते हैं मेरे को। नमस्ते सर, सर मेरे टू क्वेश्चंस हैं। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम मिनिएचर पेंटिंग को कहीं देखें तो उसकी निशानी क्या होगी कि ये मिनिएचर पेंटिंग है। नहीं क्लियर से सुनाई नहीं दिया मुझे, आवाज थोड़ी सी बहुत ज्यादा। कहना है कि जैसे आप दो पेंटिंग पढ़ी हो तो उसमें आप मिनिएचर पेंटिंग को कैसे अलग से देखेंगे कि ये मिनिएचर है और ये दूसरी है। हाँ, तो मिनिएचर में जो है वो डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं आप, मिनिएचर पेंटिंग में जो काम होता है वो बहुत इंट्रिकेट बारीक काम होता है ना, तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि जैसे मधुबनी और मिनिएचर दोनों साथ साथ पड़ी है और दोनों साथ साथ रखी हुई, उसमें आपको डिफाइन करना है कि मिनिएचर कैसे है। मिनिएचर का काम जो होगा बहुत परफेक्शन के साथ होगा, जैसे किसी का फेस ले लीजिए, फेस बनाए तो वो एकदम परफेक्शन ह्यूमन फेस होगा। और वही अगर मधुबनी में देखेंगे तो उसमें नाक किसी में लंबा है, किसी में कान लंबा है, हाथ आड़ा टेढ़ा भी जा रहा है, वो एक उसकी आर्ट फॉर्म है। ओके सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, मिनिएचर में आपको परफेक्शन मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जब आप अपने फादर से ये पेंटिंग को सीख रहे थे तो आपने आगे जाकर जी जी पूछिए पूछिए
यस सर, जब अपने फादर से ये पेंटिंग सीख रहे थे तो आपने आगे जाकर और किन किन लोगों से ये पेंटिंग सीखी है? नहीं, ये हमने बाहर कॉमर्शियल तो कहीं से नहीं सीखी है, घर से ही हम सीखते आए हैं और घर से ही करते रह रहे थे। इनका फैमिली का ट्रेडिशन है ये बहुत सालों से, कितने सालों से है? फैमिली से तो मैडम ये टू जनरेशन था, मेरे समय थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन है इनका। ओके सर, थैंक यू सर। धीरे धीरे इसको आर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट कम होता जा रहा लोगों का। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और बच्चा पूछना चाहे तो हैंड रेस कर सकता है। ये देखिए, ये बैकग्राउंड में अपन पहले एक बार इसको कलर फिलअप कर लेंगे पूरा, येलो कलर जो होता है, उसके बाद इसको फिर वापस हाइलाइटिंग दे देंगे एक बार। जितने में मिनिएचर पेंटिंग एक बना पाते हैं उतने में अदर आर्ट का कोई फॉर्म होगा तो वो शायद मेरे ख्याल से 4-5 बन जाएंगे। और इसमें कंटिन्यूसली कुछ कुछ काम ऐसा होता है जो बारीक काम होता है, जो फाइन मिनिएचर होता है, उसमें इतना टाइम लगता है कि कंटिन्यूसली इतना बारीक काम होता है कि कंटिन्यूसली आप उसमें रेगुलर नहीं बैठ पाते हो। जैसे ये जो वर्क है ये बारीक वर्क में ही आएगा, बहुत बहुत बारीक काम है जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, उससे भी कई ज्यादा बारीक काम है। ये जो किया हुआ है वो सिंथेटिक प्लेट पे किया हुआ है और बहुत ही सिंगल एयर ब्रश के साथ नेचुरल कलर्स में किया हुआ है। इसके जो ब्रशेस होते हैं वो नॉर्मली अपन जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो ब्रशेस नहीं होते हैं, उसके लिए आपको गिलहरी का बाल का ब्रश यूज करना पड़ता है। हम लोग उसी का करते हैं, हमारे इधर तो अवेलेबल होती है गिलहरी, और गिलहरी को मारते नहीं है, मार के नहीं निकाला जाता उसका, उसको पकड़ के जब छोड़ा जाता है वापस पीछे से पकड़ के, उसकी पूंछ वाली साइड से हल्का सा पकड़ के फिर उसको छोड़ा जाता है, और जब वो भागती है तब उसके जो बाल हाथ में आ जाते हैं अपने, उससे ब्रश बनाया जाता है। ये इसकी खासियत होती है। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल इससे भी अलग दूसरा ब्रश सिंगल पॉइंटेड यूज करना पड़ेगा। यही इसकी कमी होती है, अगर यहाँ कोई गलती हुई तो सामने से दिखेगी। हाँ, ओवरराइट या बैलेंसिंग, अभी भी मैं थोड़ा जल्दी में ही कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा फिनिशिंग वाइज वर्क नहीं आ रहा। अब इस पे आउटलाइन,
ओंकार जी पानी का एक क्वेश्चन है, पानी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मिनिएचर पेंटिंग में सिर्फ नेचर से रिलेटेड बनाए जाते हैं जैसे बर्ड्स, एलिफेंट्स, या फिर इसमें भगवान भी बनाए जाते हैं? उसमें सभी तरह का कर सकते हैं, नेचर पे भी कर सकते हैं, एनिमल्स कर सकते हैं, बर्ड्स कर सकते हैं, ह्यूमन फिगर बना सकते हैं, सभी कुछ बनता है, हर चीज का। आप लैंडस्केप बना सकते हो, लैंडस्केप्स भी बनते हैं, सब कुछ बनना होता है। लेकिन बस वही है कि इस आर्ट फॉर्म में जो ड्रॉ की कैपेसिटी है वो बहुत बारीक होता है। बड़े ब्रश ऐसा नहीं कि बड़े ब्रश नहीं यूज होते हैं, बारीकी के साथ, जहाँ बारीकी डिटेल जो होती है वो बहुत बारीक होती है। बाकी ऐसा नहीं कि बिल्कुल हर जगह पे बिल्कुल बड़े बारीक ब्रश ही यूज होते हैं, बड़े भी होते हैं। जैसे बैकग्राउंड भरना है तो बड़े ब्रश यूज कर सकते हो आप, और जो फिनिशिंग वर्क होता है वो ब्रशेस सिंगल एयर ब्रश होता है। धन्यवाद ओंकार जी। एक और क्वेश्चन है, उसे पूछना चाहते हैं। उसे जी जी सर, जो ये मिनिएचर पेंटिंग होती है इसकी मेन फीचर्स क्या है? हेलो हेलो जब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप थोड़ा तेज बोलेंगे। राइट सर, मैं बोल रहा हूँ मिनिएचर पेंटिंग है इसके फीचर्स क्या है? हेलो, आवाज नहीं आ पा रही क्लियर मेरे पास। मेरे पास थोड़ा भी नेटवर्क का थोड़ा इश्यू यहाँ पे भी है। वो पूछना चाह रहे हैं जी मिनिएचर पेंटिंग के फीचर्स क्या हैं? अच्छा, मिनिएचर पेंटिंग्स जो है वो आप किसी भी फॉर्म पे कर सकते, जैसे आपने ट्रेडिशनल पकड़ना चाह, कोई ट्रेडिशनल करना चाहे तो ट्रेडिशनल पे भी कर सकता है, और मॉडर्न में भी जा सकते हैं। उनका जी मीर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, मीर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर ये जो मिनिएचर पेंटिंग ये किसने डिस्कवर की? हेलो, हाँ बेटा, ये एक्चुअली बहुत पुराना है, 1805 ईस्वी में जो विक्रम संवत होते हैं ईस्वी अपना, उस विक्रम संवत में मुगल पीरियड्स में इसका उद्गव था, और बेसिकली वो राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र से ही इसकी बिगनिंग है। उदयपुर में हमारा श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ टेम्पल, वहां से इसकी बिगनिंग है। और उस सबसे पहले जब भित्ति चित्र हुआ करते थे उसके बाद मिनिएचर का ही वो हुआ है, उद्भव हुआ है। जो कांगड़ा शैली है आपके कांगड़ा क्षेत्र से, वो और ये दोनों मिलती जुलती है। कांगड़ा शैली हमारे नाथद्वारा शैली का बिल्कुल प्राय रूप है, वो यहीं से गए हुए लोग थे कांगड़ा क्षेत्र में, वहां जाके बसे, वो यहीं से, और कुछ कारीगरों ने वहां काम करना शुरू किया। तो ये कांगड़ा यही नाथद्वारा का शैली है, इसी आर्ट फॉर्म को हम कांगड़ा शैली भी कहते हैं। नाथद्वारा का जो आर्ट फॉर्म है वो नाथद्वारा वाला जो आर्ट फॉर्म है वो एक अलग ही है, श्रीनाथ जी के ऊपर डिपेंड है, और उसको पिछवाई आर्ट कहते हैं। वैसे श्रीनाथ जी के ऊपर डिपेंड होता है, वो श्रीनाथ जी की काउस वगैरह उसमें बनी होती है, उसको पिछवाई आर्ट कहते हैं। और एक दो मिनट, हाँ और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन उनका जी? बानी ने एक और बार क्वेश्चन पूछना है।
यस मैम सर, जैसे मधुबनी में होता है कि शादियों में एक उनकी बहुत बड़ी पेंटिंग बनती है जो कि एक रिचुअल आर्ट की तरह मानी जाती है बिहार में, सर मिनिएचर पेंटिंग को भी किसी रिचुअल की तरह हम बनाते हैं किसी जगह पर या फिर किसी ओकेजन पर? बिल्कुल बिल्कुल, मिनिएचर पेंटिंग में ज्यादातर आपको मुगल शैली पे मिलेंगे, जो बारात वाले जो सीन होते हैं शादी पार्टियों में, बारात ले जाते हुए का, बारात में डोली डल ले जाते हुए डोली के साथ, फिर दूल्हे के साथ में, इस तरह से ये उसमें ज्यादा दिखाया जाता है राजस्थानी पेंटिंग्स में। जो आप कह रहे हो मधुबनी पेंटिंग में जैसे बारात में नाश्ता करने का, तो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में आपको ज्यादातर प्रोसेशन के पेंटिंग्स मिलेंगे, ज्यादातर प्रोसेशन के। थैंक यू सर। ये आपको आउटलाइनिंग के बाद में इसमें वापस शेडो भरना है। जब तक पूरा फिनिश नहीं होता सारा काम, तब तक वो अधूरा ही लगता है उस सही से। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे पूछें। सैयद सबूर जी आपने हैंड रेज किया, प्लीज पूछिए। मैम आई हैव एन क्वेश्चन, What is the specialty of miniature painting? Yes, miniature painting की स्पेशलिटी ये है कि ये जो वर्क होता है वो बहुत इंट्रिकेट काम होता है, सबसे बड़ी स्पेशलिटी इसकी यही है। और ये सारे नेचुरल कलर्स पे होते हैं, प्लस नेचुरल कलर्स के साथ बनने के साथ साथ इसमें ज्यादातर आपको मुगल शैली के वर्क मिलेंगे, मुगल और ट्रेडिशनल शैली। ट्रेडिशनल मीन्स आपको राजा महाराजाओं के साथ और उनके फीचर्स और भगवान के फीचर्स मिलेंगे ट्रेडिशनल। और मुगल में आपको बारात हो गए, कोर्ट सीन हो गए, बारात के सीन हो गए, युद्ध के सीन हो गए, जंगल हंटिंग के सीन हो गए, ये चीजें पेंटिंग्स उसमें मिनिएचर्स में मिलेंगी। और बॉडी बैलेंस वगैरह परफेक्शन के साथ होता है, अगर परफेक्शन बराबर नहीं है तो पेंटिंग्स में आपको सामने से दिखेगा कि यहाँ पे गलती हो रहा है। अगर वही चीज मधुबनी या सोरा पेंटिंग्स या उसमें देखें अपन वर्ली, तो उनमें क्या है कि थोड़ा सा अगर मिसप्लेस भी हो रहा कहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको उसकी आर्ट फॉर्म दिखेगी वो। थैंक यू सर।
मीरा अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आप पेंटिंग कर रहे हो अभी मिनीचर पेंटिंग, ये का नाम किसने होती है? ये कर रहा हूँ इस पे, दोबारा बोले जरा। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी आप मिनीचर पेंटिंग कर रहे हैं, ये इसका नाम मिनीचर पेंटिंग किसने और क्यों रखा, इसकी वजह क्या है? ये जो अभी कर रहे हैं ये आर्ट फॉर्म है, ये बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है, और ये मिनीचर का मतलब बहुत बारीक लघु चित्रण, मिनीचर का अर्थ ही है लघु चित्रण, बहुत बारीक काम होता है, बारीक वर्क होता है, उसको लघु चित्रण मिनीचर पेंटिंग कहते हैं। और इसका जो नाम रखा वो इस वजह से ही रखा गया था, बारीक काम की वजह से। ये हो गया अपना बैकग्राउंड फेस, फेस का। अब अपन इधर के फेदर्स कर सकते हैं। थैंक यू मैम। क्वेश्चन सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान कितनी है फेमस नेचर पेंटिंग के लिए? हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान स्टेट क्यों ही है फेमस नेचर पेंटिंग के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक्चुअली इसलिए फेमस है कि इसका जो बिगिनिंग हुआ था, स्टार्टिंग वो जो हुआ था, वो इसकी जो इस आर्ट फॉर्म की जो स्टार्टिंग थी वो राजस्थान से ही थी, और बेसिक इसके मेन कारीगर जो हैं वो मिलते भी राजस्थान में ही है। जी सर, उनका नाम क्या था जो इन मेन कारीगर थे वहां के राजस्थान में? ये 2005 ईस्वी से, मतलब आज से अभी चल रहा है 2078 इन विक्रम संवत, जो अपने हिंदी कैलेंडर में देखते हैं ना, तो विक्रम संवत में 2075 पर भी चल रहा है, और ये जो काम स्टार्ट हुआ था वो 18 सेंचुरी में हुआ था। इसकी बेस्ट अच्छी देखना चाहें तो नेशनल म्यूजियम जो है दिल्ली का, उसमें इसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री पड़ी हुई है, वहाँ कभी अगर जाने का रहे तो आप नेशनल म्यूजियम जरूर इसको विजिट करें, और वहाँ पे इसकी पूरी हिस्ट्री है कि जी सर, फर्स्ट स्टार्ट जिसने भी फर्स्ट पेंटिंग बनाई उसका नाम और डिटेल्स उसको वहां से मिल सकती है अपन को। थैंक यू सर। जानवी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन, हेलो, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये मिनिएचर पेंटिंग ज्यादातर मतलब राजस्थान एरिया में ही देखने को मिलती है, बट क्या ये पेंटिंग मतलब राजस्थान से हटके भी और जगह देखने को मिलती है, या फिर ये स्पेशली सिर्फ राजस्थान में ही ज्यादा मतलब देखने को मिलती है? ज्यादातर यस यस, ज्यादातर तो आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगी। इसके जो कारीगर से हैं या इंटरेस्टेड कारीगर हैं वो कहते हैं कि अपन, बाकी होने को ऐसा नहीं कि कहीं नहीं हो सकती, होने को सब जगह हो सकती है, इंटरेस्ट
हो सकता है, क्या काम कहाँ नहीं हो सकता, सभी जगह ये काम हो सकता है, बट बस वो ये कि करने का मन होना हो। हर एक स्टेट की अपनी अपनी आर्ट शैली, ये राजस्थान की स्पेशल आर्ट शैली क्योंकि राजस्थान में ही स्टार्ट हुआ था और राजस्थान में इसकी ज्यादा इसके कारीगर भी हैं, ज्यादा करते भी लोग, और इस आर्ट को लोग इंटरनेशनली काफी अच्छी पहचान है इस आर्ट की और लोग पसंद भी करते हैं इंटरनेशनली, विशेषकर फॉरनर्स बहुत पसंद करते हैं इसको, इस आर्ट फॉर्म को। ओंकार जी, बानी का भी क्वेश्चन, बानी पूछिए। यस मैम, सर जैसे हम इस आर्ट को आगे प्रमोट कैसे कर सकते हैं ताकि लोग इसको जाने और ये आर्ट दोबारा ग्रो। हाँ, इस आर्ट फॉर्म के इस तरह की अपन वर्कशॉप या एग्जीबिशंस या मार्केट प्लेस के लिए थ्रू अपन इसको आर्ट फॉर्म को आगे ला सकते हैं। और वैसे ये बहुत मुझे ये लग रहा है कि इसमें इस आर्ट फॉर्म के आगे लाने की जरूरत है, धीरे 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 लुप्त सा होता जा रहा है, इसमें जो काम मेहनत होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इस मेहनत के अकॉर्डिंग जो अगर कारीगर को अपन कहें कि मेहनताना मिलना चाहिए तो वो मेहनताना इतना नहीं मिल पाता, इसलिए लोग इससे थोड़ा सा पीछे हटते जा रहे हैं। थैंक यू सर। सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कीजिए क्योंकि अब हमारे पास बहुत थोड़ा समय बचा है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड्स। किसी का कोई भी सवाल हमारे आर्टिस्ट से पास हो जो आप जानना चाहते हो। कोई भी क्वेश्चन हो कर सकते हैं आप। यस चांदनी, पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। सर मेरा ये क्वेश्चन था, लगभग पूरी पेंटिंग को बनाने में, अच्छे से डेकोरेट करने में इसको कितना समय लग जाता है पूरी पेंटिंग को बनाने में? ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात ये कि उसमें डिपेंड करता है कि अपन उसको बना क्या रहे है ना, और सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद फिर डिपेंड करता है अपन उसमें कितना टाइम दे रहे हैं पर डे। आप एक दिन में एक पेंटिंग भी कर सकते हैं बट आर्ट फॉर्म के ऊपर डिपेंड है कि वो आप सब्जेक्ट क्या है, उसमें बारीकी कितनी है, क्या सब्जेक्ट के साथ साथ इसमें इंट्रिकेसी कितनी, ज़्यादा इंट्रिकेट रहेगा तो आपको टाइम लगेगा। एक पेंटिंग में अमूमन कम से कम 2 से 2.5 दिन तो लगते ही लगते हैं। अगर जैसे अभी मैं इसको कहूँ कि मैं एक दिन में फाइनल कर लूँ, अगर फुल फिनिश्ड काम करना है तो इस पेंटिंग को भी 2 दिन लग जाएंगे, अगर फूल से अच्छे से इसको करना है तो। अब जैसे अपन ये तो आप कलर बनना हो ही गया, मैं दिखाई दूँ ये पेपर पे हो ही गया था, ये अब आप अच्छे से समझ भी पाए हैं कि इसको स्ट्रोकिंग करके बस कलर फिलिंग करनी है, जैसा अपन पिकॉक में जिस तरह से जैसा अपन कलर देना चाहें वैसा उसमें कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज मैंने सिल्क पे जो कर रखी है, ये देखिए ये जो किया हुआ ये फिनिश्ड वर्क है। अब आप इसको देख रहे हैं, जो अभी अपन ने बनाया था उसको पेंसिल से किया था, इतना फिनिश्ड नहीं था क्योंकि वो अपन जल्दबाजी में कर रहे हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले ये किया हुआ है कि ये सिल्क क्लॉथ है, कपड़े के ऊपर किया हुआ है, ये बॉर्डर जो बनी है बॉर्डर्स में भी देखिए आप कहीं भी, यानी इतना महीन है, अगर दूर से देखता हूँ तो मैं जूम करके देखूँ, ऐसा दूर से देखता तो इतनी बारीकी क्लियर नहीं, जब मैं बिल्कुल पास में कैमरा करके दिखा रहा हूँ आपको तो बारीक 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 स्टॉकिंग है ये,
ये पेशेंस के साथ करने से ही होता है, नहीं तो मिसप्लेस हो जाएगा। और अब इसके अंदर सबसे बढ़िया ये स्टॉक देखते हैं, ये स्टॉक देखिए आप, इनको कितना क्लियर किया हुआ, एक 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 सिंगल स्टॉक। इसमें टाइम लगता है, एक एक को पूरा फिलअप करने में ही इतना टाइम लग जाएगा कि। और ये जो पेंडिंग किया हुआ ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वर्क है, ये वाला जो वर्क है, ये गोल्ड की जो डस्ट वर्क होती है, गोल्ड का जो फॉइल वर्क आता है, गोल्ड फॉइल, उसको लिक्विड फॉर्म में करके फिर किया हुआ ये। और ये जो है ये येलो कलर है, और ये ब्लैक बेस के कपड़े के, फिर ये येलो कलर के साथ अपने स्टॉक करके जैसा अभी अपन ने बनाया था वो किया हुआ। ये पूरा बनने में 3 दिन का टाइम लगा इसको। अब इसको कवर्ड करके पेंटिंग, ये सिल्क के ऊपर है, इसको सही से रखा जाए, सही से पकड़ा जाए, इसका सही से लुक आ जाए, उसके लिए अपन ये पेपर का माउंट करते हैं। इस तरह से माउंट होने के बाद ये पेंटिंग ऐसी लुक पाई जाएगी, है ना। इसी तरह से अगर अपन दूसरा और दिखता हूँ, हाथी घोड़ा ऊंट वाला, ये 6 सिंबल्स ऑफ इंडिया, इसका मैं आपको वो बताता हूँ कि कपड़े के ऊपर करने में कैसे, पेपर में और कपड़े में क्या फर्क होता है। पेपर में आपको करने में कहीं भी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, कहीं भी वो इजीली उसमें स्टिक हो जाएगा और उस पर कर सकते हैं, फैलेगा नहीं कलर। लेकिन कपड़े में करने में बहुत ज्यादा थोड़ा टफ होता है। कपड़े में क्या होता है कि अगर वाटर बेस्ड कलर अपन यूज करते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं, तो कपड़े में जैसे ही अगर अपने एक बूंद भी लगाएंगे तो फैल जाता है, और वो पेंटिंग स्टेबिलिटी भी नहीं आएगा, कलर स्टेबिलिटी भी नहीं आएगा। उसको फिक्स करने के लिए अपन इसको पहले स्टार्च करते हैं। स्टार्च का मतलब था अपन कलफ जो करते हैं ना, कपड़ों में कलफ कराते हैं, वो कलफ कराने के बाद फिर इसको प्रेस करते थे। कलफ का मतलब आप चावल का पानी भी ले सकते हो, चावल का जो घोल होता है, चावल उबाल के जो उसका घोल बनाते हैं, वो भी उपयोग कर सकते हो, और कलर मार्केट में रिवाइव करके मिलता है, वो भी ले सकते हो। उसको इस कपड़े को उसमें भिगो के फिर इस प्लाई बोर्ड को पूरा पेस्ट करने के बाद, उसके बाद थोड़ा उसको सूखने दे, एक दिन पूरा सूख जाता है। सूखने के बाद फिर आप उसमें स्केचिंग कर सकते हो। स्केचिंग करने के बाद जब आप कलर यूज करोगे तो कलर फैलेगा नहीं, जहां आप ब्रश स्टॉक करोगे वहीं पे वो स्टेबिलिटी रहेगा। ये जो किया हुआ है वो इसी तरह से पेस्ट करके किया हुआ है, और एक गोल्ड वर्क की डिटेल्स के साथ किया होता है। अब ये अधूरा था, जैसे प्रज्ञांशी अत्री का एक सवाल है, सो जो ह्यूमन आई है वो भी मिनिएचर पेंटिंग में आएगी? हाँ, मिनिएचर में आएगी, ह्यूमन आई में भी अपन मिनिएचर में ही कर सकते हैं। बानी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपने बहुत देर से रेज किया हुआ है, सॉरी। बानी मैम, आई एम ऑडिबल? यस सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जैसे कोई भी पेंटिंग बनाते हैं सर, आप उसमें कलर कॉम्बिनेशन कैसे ढूंढते हैं? कलर कॉम्बिनेशन ना अपन इसमें ज्यादातर नेचुरलिटी के साथ होता है, जैसे नेचर में होते हैं जो नेचुरल कलर, बर्ड्स का ले लीजिए, बर्ड्स में कौन कौन से कलर होते हैं, जिस जिस टाइप के कलर्स होते हैं उसमें अपन इसको करते हैं। और कलर कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है कि सारे कलर अवेलेबल नहीं होते, ना तो नेचुरल कलर में अवेलेबल होते हैं ना इसमें अवेलेबल होते हैं, तो अपन कलर को मिक्सअप करके करना पड़ता है। जैसे सपोज करो डार्क एलिफेंट कलर बनाना है, तो ब्लू के साथ फिर व्हाइट मिक्स करके उसको कॉम्बिनेशन दिया जाता है। जितना डार्क चाहिए डार्क, लाइट चाहिए लाइट, लाइट करने के लिए अपन उसमें व्हाइट मिला देंगे, और डार्क करने के लिए डार्क शेडो ब्लू मिला देंगे, ओरिजिनल ब्लू। धन्यवाद ओंकार जी। उषा मैम, आपका भी एक सवाल पूछ लीजिए। हेलो, ओके, एम आई ऑडिबल मैम? यस यस।
Yeah, ma'am, my question is this, like in Madhubani painting, once I met in a Suraj Kund fair to one Madhubani artist. So that Madhubani paintings done by the natural colors. So for this miniature art, how you prepare the colors? Means what type of colors you are using? Are they naturally prepared or like the Madhubani nowadays done by the acrylic colors? So sir, what type of colors you use? Yes, sir. Good question. मधु इसमें जो हमारा मिनिएचर पेंटिंग्स में जो कलर होते हैं नेचुरल कलर वो कलर हम नेचुरल स्टोन कलर्स और फ्लावर्स और फूल पत्ती वाले जो कलर होते हैं ऑर्गेनिक वो कलर यूज होते हैं ज्यादातर इनको निकालने के लिए अपन जैसे ग्रीन कलर है तो फूल पे इन पत्तियों को पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उनको ग्राइंड करके पीस के बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ला के फिर उसको दो तीन बार छाना जाता है छानने के बाद उसमें जो ग्लू मिक्स करते हैं स्टेबिलिटी के लिए वो डायरेक्ट पेड़ों से लिया ग्लू होता है जो खाने वाला अपना गौन होता है वो ग्लू उसमें मिक्स करते हैं अच्छा सा मिक्स करने के बाद फिर उसको छान लिया जाता है दो तीन बार फिल्टर कर लिया जाता है फिर उसको बॉटल्स में या अपना जो भी पॉट है उसमें अपन उसको प्रिजर्व कर लेते हैं और अलग अलग तरह से जैसे जैसे अपने को डार्क ब्राउन निकालना है तो ईंट हो गई अपनी ईंट हो गई जो केलू पोश अपना मकानों के ऊपर जो केलू यूज करते हैं वो केलू पोश हो गया उनको घिस के एक चीनी मिट्टी के पॉट में पूरा घिसना पड़ता है घिसके बिल्कुल बारीक लिक्विड फॉर्म में आए जितना अपन घिसेंगे उसको इतना अच्छा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और उसको फिर आने के बाद उसमें भी फिर ग्लू मिलाया जाता है डार्क ब्लैक डार्क के लिए अपन हमारे यहाँ ब्लैक मार्बल मिलता है ब्लैक मार्बल जो करते हैं ग्रीन मार्बल है ब्लैक मार्बल के इनकी डस्ट अवेलेबल होती है वो उसको घिस के करना होता है अब जैसे येलो और डार्क ब्राउन के लिए एक तो प्लास का फ्लावर भी यूज करते हैं हम लोग प्लास का पेड़ होता है यस आई हैव सीन इन महाराष्ट्र इससे वो प्लास के फ्लावर को भी हम लोग उपयोग में लेते हैं कई सारे अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं उनको भी कलर निकालने के लिए वो फ्लावर्स भी यूज किया जाता है Okay, sir. Some people told, sir, like in glycerin, we add dry petals of flowers and we leave it for a few days and we squeeze that color. Is that true, sir? Yes. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thanks for the question. Thank you. और किसी पार्टिसिपेंट को कोई सवाल क्योंकि अब हमें क्वेश्चन इस सेशन क्लोज करेंगे थोड़े टाइम में सर प्लीज सी माय पेंटिंग यस यस सर कार जी बानी आपके साथ थोड़ा सा पेंट करने की कोशिश कर रही है उसने अपना स्क्रीन शेयर करें एक बार आप बताएं यस यस बताएं जरूर हेलो जी हाँ बताएं जरूर क्या क्वेश्चन है बानी आपके साथ थोड़ा सा मिनीचर पेंटिंग उसने साथ के साथ ट्राई करी है तो एक बार आप चेक करें स्क्रीन पे जी 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 सर बानी ने अपना स्क्रीन शॉट किया स्क्रीन तो दिया नहीं आया नहीं है मेरे को एक बार वापस करें बहुत सुंदर बानी बहुत बढ़िया मैंने अभी हल्का सा देखा था बट वो निकल गया मेरा ध्यान इधर पेंटिंग की था और हल्की सी नजर तो पड़ी थी आप सब बच्चे देखिए मानी जैसे रोज वर्कशॉप हर संडे को ज्वाइन करने के बाद उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आ गया है हाँ अभी हल्का सा देखा था बट मुझे अच्छा लगा वो मैं मुझे लगा ये मेरा जो किया हुआ था उसी का उसमें आ रहा है ऐसा ही लग रहा है हमें भी थैंक यू सर आनी बहुत ही सुंदर बना रहे आप भाई इतनी जल्दी थैंक यू मैम वाह ओंकार जी आप अपनी और चीजें दिखाइए ना क्या क्या आपने बनाया हुआ है कैमरे में एक एक पेंटिंग को जूम पे दिखाइए अभी देखो अपन ने इस तरह के जैसे ये एलिफेंट का जो
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब हम लोग चाहेंगे कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए वफा आ गया है, और उषा मैम प्लीज, उषा मैम। यस मैम, am I audible ma'am? थोड़ा सा हाँ वफा भी Due to some urgency at school, our principal sir is not able to join the this Zoom meeting. But on behalf of my JNB Badgaon principal and my JNB family, I would like to say thanks to the whole team of Speak Mackay and today's chief guest. Because, ma'am, previously we were thinking like the first day you arrived in our office. And I thought, okay, it is some kind of something related to heritage. But when you deliver your introductory session with our students, Pankaj sir and you, it was really very informative. And some of the students were very keen to join and they are desperate. And today we are here in this meeting from morning 1200 hours till now. And it was really a very fruitful session. Our today's chief guest sir, he might be knowing there is one ma'am craft mela Surajkund. I think the folk artists they well known about this fair, Surajkund fair in Haryana. Every year it is conducted, and there first time I met with so many artists. There only I learned about the Madhubani paintings and the this Kangra art and this type of things. And I had been to Ajmer also, ma'am. There, that time I had one willingness. Maybe someday I would be able to learn this art. So it was very interactive and very much informative session. And you clear all the doubts asked from the students. Whatever they have the doubts, you have seen their paintings, their questions, their queries with a lot of patience, sir. And again, I would like to thank the whole Speak Mackay team. Including our Pankaj sir and Shefali ma'am, you are taking a very nice initiative. And it is my personal thanks also. Like nowadays, not only as sir told when he started his session, it is not only this miniature art or any other fine arts. It is nowadays also in the field of values, cultures, etiquettes, and manners. We see that things are declining day by day. And it is the duty of all the social institutions, families, schools, teachers, and all the stakeholders to inculcate and to make aware our generation to the great heritage of national and at the international level. In one word, I would like to say thanks one and all to provide such a nice platform to teach our students and to make aware them with their great, great heritage and incredible kind of things. Thank you one and all. Over to Wafa. Thank you, Usha ma'am. Wafa, thank you. Wafa, thanks. I also want to thank all of you. खास करके ओंकार सर, सर बहुत ही ज्यादा अच्छी पेंटिंग आपने हमें सिखाई है अभी। जो भी आपने हमें कुछ सिखाया था वो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव था, बहुत सारी जानकारियां आपने दी, और आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि हर किसी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको बहुत अच्छा गाइड, अच्छे से आंसर्स दिए हैं। थैंक यू सो मच। एंड पंकज सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है ये सब कुछ करने की। एंड मैम, आपका भी बहुत ज्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने हमारे लिए, मतलब हर किसी के लिए, हर किसी बच्चे को, आप ये जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम है। स्पीक मैके की पूरी टीम को हम सब की तरफ से वेरी मच, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल। एंड अ बिग थैंक्स टू आवर चीफ गेस्ट जो हमारे थे, मुजफ्फर सर। सर बहुत बहुत ही ज्यादा थैंक यू आपको भी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू Wafa। इन द शॉर्ट नोटिस यू हैव डन वेरी वेल, योर टीम वर्क वेरी वेल। उषा मैम, एवरीवन रियली थैंकफुल टू यू, एंड होप आप लोग फिर से ज्वाइन करेंगे। हर 12 बजे याद रखेंगे इस बात को, हर संडे 12 बजे आपने ये ऑन करना है वाणी की तरह, ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू ओंकार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।
हूँ।